भारतीय जनता पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी द्वारा वीरवार को आयोजित सत्याग्रह को कानून और संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह करार दिया। इसकी निंदा करते हुए प्रसाद ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, कांग्रेस का यह सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है, यह देश और देश के कानून, देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर हैं और ये लोग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हार चुके हैं। ईडी के द्वारा पूछताछ होने वाली है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। ये सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। देश को हम ये बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, बेल पर हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 का भी आरोप है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया, इनकम टैक्स ने इस पूरे मामले को जांचा और अनियमितता पर गंभीर टिप्पणी की और टैक्स लगाया, उसके खिलाफ इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल गए ये लोग, वहां भी सफलता नहीं मिली, और उसके बाद फिर हाईकोर्ट गए, वहां भी सफलता नहीं मिली। तो देश को हम यह बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में और उनके एफआईआर को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। नेशनल हेराल्ड का अखबार था, आजादी के आंदोलन का था, उसमें पब्लिक के बहुत बड़े नेता शेयर होल्डर थे। बाद में अखबार नहीं चला, अखबार बंद हो गया, उस पर बड़ी देनदारी हो गई और बहुत ही छद्म तरीके से 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया और एक पारिवारिक संस्था यंग इंडिया बनाई गई, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी 76% के शेयर होल्डर्स हैं, मेजॉरिटी, बाकी दो लोग नहीं है, मोतीलाल जी और ऑस्कर फर्नांडिस वो गुजर गए। और बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से पूरे नेशनल हेराल्ड की ओनरशिप को यंग इंडिया को दे दिया गया। नेशनल हेराल्ड के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, दिल्ली में है, मुंबई में है, मोहाली में है, जिस संपत्ति को कांग्रेस सरकारों ने सस्ते दर पर सरकार की जमीन दी, उससे हजारों लाखों रुपया किराया आता है। यह है कुल मामला। इस मामले की जांच चल रही है, आप क्यों नहीं वहां जवाब देंगे भाई? यह बड़ा सवाल है। पूरे बीजेपी के ऊपर संस्थाओं को समझौता करने का आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, लेकिन आप बेल पर हैं, कानून के शिकंजे में हैं और आप जवाब नहीं देंगे और सुने जवाब नहीं देंगी। और याद करिए, इन लोगों ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको प्रताड़ित करने का कितना केस चलाया गया। वो स्वयं हाजिर हुए, 12 घंटा उन्होंने एजेंसीज के प्रश्नों का जवाब दिया। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कभी बीजेपी के गुजरात ने प्रदर्शन किया क्या? कभी देश की बीजेपी ने प्रदर्शन किया क्या? यह हमारा कानून को मानना। और मोदी जी थप कर निखर कर कानूनी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट तक बाहर निकले कि उनके खिलाफ गुजरात दंगों के सारे आरोप बेबुनियाद थे। एक यह हमारा आचरण है, कानून संस्थाओं का सम्मान। और एक इनका आचरण देखिए कि मुख्यमंत्री दिल्ली बैठे हुए, सारे एमपी सदन छोड़कर उनके समर्थन में
ईडी और अन्य संस्थाओं को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं बड़े सवाल। इसलिए आज ये जो सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है कांग्रेस पार्टी का, परिवार जब पार्टी की संपत्ति को अपनी जेब में कर रही है उसको बचाने का दुराग्रह है, तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं। देश में सच्चाई जानी चाहिए। सच्चाई यही है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बेल पर हैं, जिसमें आरोप 420 का भी है, धोखाधड़ी का भी है, 120 भी कॉन्स्पिरेसी का भी है, और वो हाईकोर्ट गए हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए हार गए, एफआईआर क्वाश नहीं हुआ, इनकम टैक्स से कंफर्म है। तो अब ईडी जब पूरे मामले की जांच कर रही है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं, तो आप जवाब नहीं देंगे क्या? और जाएंगे तो पूरे देश में ईडी और सरकार के खिलाफ इस तरह से मुख्यमंत्री और उनके नेतागण बेबुनियाद हवा बनाएंगे। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी की हताशा है। इतनी बड़ी हार के बाद भी, बार बार हारने के बाद भी, पार्टी को जेबी बनाने के बाद भी, अब पार्टी की संपत्ति भी जेबी बनाई जा रही है और सवाल का जवाब भी नहीं देंगे, ये मामला है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।